अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताती हूँ कि मूली के मज़ेदार पराठे किस तरह से पकाते हैं। उसके लिए आप अशिया नोट कर लीजिए। 500 ग्राम रेडिश ग्रेटेड, 1/4 कप फ्रेश कोरिएंडर चॉप, 1 टेबलस्पून क्रश्ड रेड पेपर, 1 टेबलस्पून क्रश्ड कोरिएंडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और टू टेस्ट, 1 टीस्पून ग्रीन चिलीज। सबसे पहले ये कद्दूकस मूलियों में मैं नमक मिक्स करके और एक घंटे तक रख दूंगी। देखिए, इसको अब मुझे एक घंटा हो गया। मैं इसको इस तरह से पकड़ूंगी थोड़ा सा और ये हथेली में रख के दूसरी हथेली के साथ ज़ोर से इसको दबाऊंगी तो ये इसका पानी पूरा निकल जाएगा। सारी मूलियाँ मैंने इसी तरह से अच्छे से निचोड़ कर रख लेनी है। ये निचड़ी हुई मूलियों में मैंने अभी ये क्रश्ड रेड पेपर डाल दिया और कोरिएंडर डाल दूंगी, टर्मरिक, ग्रीन चिल्ली एंड कोरिएंडर। अभी मैं इनको मिक्स कर लूंगी। मिक्स होने के बाद इसकी ये शक्ल हो गई है। पराठा बनाने के लिए मैंने ये 1 किलो होल व्हीट फ्लोर लिया है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है और अब मैं इसे नॉर्मल पानी से गूंद लूंगी। देखिए, मैंने इसकी डो बना ली है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और इसको गूंदूंगी। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने बल दे के 7 टाइम इसको गूंदना है। ये देखिए, अभी डो तैयार करके तो मैंने इसके ऊपर अब थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के रेस्ट के लिए रख दूंगी। अब इस डो में से मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी। इसको ऐसे आहिस्ता से प्रेस करूंगी और फिर इसका एक चवा बना लूंगी। अब इसको मैं बेलन की मदद से आहिस्ता आहिस्ता दाईं साइड पर घुमा घुमा के छोटी सी रोटी बना लूंगी। अब इसके बीच में ये जो हमने अमेजा बनाया था मूली का, वो मैं भर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर ये दूसरी रोटी जो मैंने बेली है उसको रख दूंगी और इसके किनारे जो है वो अच्छे से दबा लूंगी सेंटर से भी। और फिर अब इसको तवे पर देसी घी से पराठा बना लूंगी। देखिए, अभी तवा हमारा गर्म हो गया है। इसके ऊपर मैं अब इस रोटी को डाल दूंगी और इसको एक तरफ से सेक लूंगी। ये एक तरफ से सिक गया, मैं दूसरी तरफ से इसको सेक लूंगी। अब इसको उलट के इसमें मैं घी डाल दूंगी। और फिर इसका पराठा बना लूंगी। पराठा बनाते वक्त इसके किनारों की तरफ से आपने दबा दबा के और एक साइड से उठा के पकाना है। इससे इसके अंदर रेडिशपन पैदा होगा। ये देखिए, ये पूरा अब रेड हो गया है और अच्छे से चिक भी गया है। दूसरी तरफ भी यही अमल करूंगी। एक तरफ से चिमटे की मदद से उठा के और किनारों वाली साइड से दबा दबा कर इसको सेकूंगी तो दूसरी तरफ से भी ये रेडिश बन आ जाएगा इसका। अब ये तैयार हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखिए नाज़रीन, मूली का पराठा तैयार हो गया। आप इसको इसी तरह गरम गरम मूली की चटनी और मूली की भाजी के साथ पेश कीजिए।
तो इसका मजा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मूली की चटनी और मूली की भाजी की तरकीब आप मेरी दूसरी वीडियोस में चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।